उनकी आगे पहुंचने की वजह उनकी पढ़ाई है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि सारे आईटी के लोग इंडिया से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि उनको आगे भी बढ़ना है और मतलब उनको पता है कि कैसे हैंडल सारी सिचुएशन करनी है। इस वजह वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल हमें काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है और लोग हड़ताल करने की बजाय इस चीज़ को इस्तेमाल ना करने की बजाय बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल महंगा भी होता है तो उनको मज़ीद ना ख़रीदना पड़े। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? हम एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान आए हैं और हम यहाँ के हालात देख के बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल का रेट और भी बाकी चीज़ें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, तो ये है कि हुकूमत को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत सिर्फ यहाँ अपनी जेबें भरने बैठे हुए हैं, कोई अच्छा पॉलिटिशियन लाने को ये लोग तैयार नहीं हैं। हर कोई अपने मकसद के लिए यहाँ बैठा हुआ है, हर किसी को कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं, आवाम के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर भी देखा जाए तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा था, उन्होंने उसकी बजाय E20 इथेनॉल या फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो लोग, यानी कि उनके मुल्क में जो पेट्रोल की इंपोर्ट है वो भी कम होने वाली है और वो अपने मुल्क में ही हर चीज़ को पैदा करते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारा साथ ज़्यादा होने वाला मुल्क आज हमसे बहुत आगे है और वो अपनी आवाम का भी सोचते हैं? उनकी आगे पहुँचने की वजह उनकी पढ़ाई है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि सारे आईटी के लोग इंडिया से प्रोड्यूस होते हैं। हम लोगों को भी यहाँ चाहिए कि बजाय सड़कें और इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की बजाय हम अपनी आवाम को बाशऊर बनाएं, उनको तालीम की तरफ रागिब करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, बजाय दूसरे ममालिक में जाने के लिए हमें यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हों कि हम अपना जो टैलेंट है वो यहाँ शो करें। लेकिन यहाँ पर अब क्या करें आवाम, फिर यहाँ पर हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, जैसे कि मैंने पेट्रोल की बात किया है, हम उसके अलावा तो कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे इंडिया इथेनॉल इस्तेमाल करता है और उसके बाद फ्यूल इस्तेमाल करता है ताकि पेट्रोल की जो खपत है वो कम हो जाए। पाकिस्तान में आप कहते हैं कि यहाँ रहकर हम लोग काम करें, लेकिन काम करने के लिए काम भी तो होना चाहिए। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो, काम भी होना चाहिए। अगर हम ये तरक्की करेंगे तो हम अपने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाने के लिए भी कोशिश कर सकेंगे, लेकिन उसके पहले तो अब ज़ाहिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाना बगैर किसी जाहिल की तो बात नहीं है, कोई उसको चला नहीं सकेगा। ज़ाहिरी बात है कि आपको उसके लिए क्वालिफाइड बंदों की ज़रूरत होगी, टेक्नीशियन भी वो चाहिए होंगे जो उन गाड़ियों को ठीक कर सकेंगे, तो पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको आवाम को बाशऊर बनाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी तरफ तवज्जो दी जा सकती है, हमारे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़ीरो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मैरी हरून। मैरी मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती हैं हम लोगों को, और लोग हड़ताल करने की बजाय उनको खरीद पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये नहीं कि हम रुक जाएं ताकि जो हमारी हुकूमत है वो थोड़ी अक्ल इस्तेमाल कर ले, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो खरीदी जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? मैं तो बस ये कहूँगी क्योंकि महंगाई इतनी है और मतलब लोगों ने तो लेना ही है, उनको भी पता महंगाई जितनी मर्जी कर ले लोगों ने लेना, और मतलब उन लोगों के पास भी कोई तो कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो इतनी महंगाई कर रहे हैं। बस मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी कम कर दे, क्योंकि मतलब हर किसी का होता है कि क्या नाम लेते हैं हर किसी के पास इतना गुंजाइश नहीं होती कि वो इतना महंगा पेट्रोल डलवा सके। अच्छा अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो वहाँ पर पेट्रोल सस्ता तरीन मिलता है और वो पेट्रोल की बजाय इथेनॉल और फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया हमसे इतना आगे क्यों है और वो अपनी आवाम के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचता है? अक्ल पाकिस्तान के पास नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो इस अक्ल को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियंस? मतलब उनको पता है कि ये चीज़ों को कैसे लेके चलना, पर पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। महंगाई पे महंगाई, रात को देख सुनो भाई सुबह महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इंडिया काफ़ी आगे जा चुके हैं, आप खुद देखते हैं कि आईटी में वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है और साथ में उनकी फिल्म इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हैं, तो उनके जो गवर्नमेंट है वो आवाम के बारे में क्यों इतना सोचती है? क्योंकि उनको आगे भी बढ़ना है और मतलब उनको पता है कि कैसे हैंडल सारी सिचुएशन करनी है, इस वजह से। अच्छा उनके तालुकात भी बाकी मुल्कों के साथ अच्छे नज़र आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि वो पहले रशिया से भी पेट्रोल ले रहे थे, ईरान से भी ले रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसकी जगह पे वो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ही अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं बट करना नहीं चाह रहे, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि थोड़ी सी महंगाई कम कर दे, बहुत ज़्यादा बजट आउट हुआ है। महंगाई किस तरह कम होगी? आप देखिए हमारे मुल्क में पहले लोग लड़ तो लें, हड़तालें तो हो जाएं, जब तक ये चीज़ बाकी मुल्कों में देखिए कभी नहीं सुना आपने हड़ताल, चलो होती भी होंगी, उनके भी लोग करप्शन करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम आजकल बहुत ऊपर जा रहा है जी। तो कोई मैसेज देना चाहें लास्ट में? महंगाई बस कम कर दे और
जो आप लोगों को लगता है गरीब लोग हैं, आप उनकी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसा दौर जा रहा है जितनी हम हेल्प करेंगे दूसरों की उतना ही कम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? सब ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आए दिन इसमें इजाफा होता है, क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है इन चीज़ों के ऊपर? की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली बात ये है, जो गरीब हैं वो मर रहे हैं, जो अमीर है वो फिर से ऊपर हो रहे हैं। यानी कि जैसे ये पेट्रोल महंगा हुआ, जिनके साथ पास स्पेयर था पेट्रोल, हाँ जी, गरीबों के पास कुछ नहीं था, अमीर ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब फिर गरीब हो गए। अगर मैं कहना चाहूँ तो वो क्या कहते हैं कि शहबाज बिरा ब्लो टाइम बना हुआ है, कोई उसका आसरा नहीं, सवारी उसको मिले या ना मिले वो जा रहा है, लेकिन गरीब मर रहा है। गरीबों को किसी की कोई परवाह नहीं, बिल्कुल किसी की कोई परवाह नहीं। अच्छा, इस वक्त इंडिया जो है वो हमसे काफ़ी आगे जा चुके हैं, आप लोग भी देखते हैं इस चीज़ को, और वहाँ पर वो पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करें, वो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जो मुल्क में पेट्रोल के पैसे बच जाएं। क्या कहना चाहते हैं कि वो कंट्री अपनी आवाम के बारे में इतना सोचती है? जी जो हम किस पर एतबार करें, हमारे बड़े फौज के वो आर्मी ऑफिसर वो भी पैसे लेकर भाग गए, हम किसे बनाए अपना सदर, हम किसी को नहीं बना सकते। सारा माल, सब जितना माल है इनका, सब पैसा इकट्ठा करके लंदन में इन्होंने रखा हुआ है, इनको क्या है, मरेगा गरीब ये जाकर लंदन में बैठे। तो हम उन्हें लंदन भागने क्यों देते हैं? हम हाँ हम जा सकते हैं, हम उनके घर के सामने जाते हैं, हम लोग कहते हैं उनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि देखें हर मुल्क में जहाँ पे ये रेवोल्यूशन आती हैं वहाँ पर लोग ऐसे ही करते हैं, वो हुक्मरानों को घर से उठा के लेके आते हैं, उनको कहते हैं कि हाँ भाई बताएं, आप हमें जवाब दें इस चीज़ का। देखिए सबसे पहले ये बात है, हमारी जो आवाम है ना ये एक साइड पर नहीं, एक तरफ हो तो जाए, नहीं इनको बस अपनी पड़ी है, गरीब मर रहा है अमीर ऊपर जा रहा है, बिल्कुल। तो दूसरे मुल्क कैसे तरक्की कर रहे हैं? दूसरे मुल्क उनके एक तरक्की है, अगर वो जिस चीज़ के पैसे लेते हैं चीज़ वहीं देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क वाले पैसे भी ओवर ले लेते हैं, चीज़ भी खराब देते हैं। अच्छा तो इंडिया के बारे में क्या ख्याल है, वो क्यों आ गया? इंडिया के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं। क्यों उसकी तरक्की नहीं आप देखते हैं कि वो देखे पाकिस्तान हम 7 आज़ाद हुए हैं, 75 साल उसको हमें, 75 साल हमें हुए हैं, लेकिन आज दुनिया के ऊपर कह लें कि उनकी जो मीशत है वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है? नहीं मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो अब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ, हमारी आवाम बिल्कुल चुप है, हमारे जितने भी बड़े बैठे हैं जितने सब चुप हैं। अगर ये थोड़ा सा कदम बढ़ाएं तो हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या, अगर मेरे कहने से माना जाए ये जो पाकिस्तान में आती है कोरोना और इतना महंगाई है, ये सब हमें कश्मीर वालों की बददुआ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की बात करें तो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और लोग बेचारे भरवा भी नहीं पा रहे पेट्रोल, क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा क्यों हुआ है? असल में 2-3 हथियार हैं हुकूमत के पास, एक पेट्रोल है, एक बिजली है और गैस है, ठीक है, इन्हीं से पूरा करेगी और तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो पेट्रोल से बचा रही है, पैसे ज़्यादा बचा रही है, कोई सुई गैस के बिलों से, बिजली के बिलों से, और तो पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें इनके हाथ में हैं, पेट्रोल गैस और बिजली, ठीक है, वो तीनों चीज़ों से ये कमाई कर रहे हैं और आवाम का तो सोच ही नहीं रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट भी सोई हुई है और अदालतें भी हमारी सोई हुई हैं। असल में इन जिन लोगों ने इस पे बात पे फिक्र करना है ना, उन्होंने तो खुद अपने पैसों से ना कभी को पेट्रोल डलवाया है, ना ही उनके ना अपने सुई गैस का कभी बिल दिए हैं। अच्छा इंडिया की बात करें तो वो इस वक्त कह लें कि E20 इथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है और फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि पेट्रोल का जो इम्पोर्ट है बहुत कम कर दिया है उन लोगों ने और उनको 32-33 करोड़ का कह लें कि बेनिफिट प्रॉफिट होने वाला, और इथेनॉल अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर रहा है वो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो देखिए जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है ना, हमने भी कोशिश करनी चाहिए कि हम वो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हम पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं कि जो चीज़ हम पे हमारे पास नहीं है वो ज़्यादा लेते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इंडिया में पेट्रोल नहीं है, बाहर से आ रहा है, उसने उसका कोई ना कोई हल निकाला है, ठीक है, पाकिस्तानियों को भी चाहिए था। पाकिस्तान में तो खैर पेट्रोल है, वाफर ज़खायर है इधर आयल के, मगर नहीं, इनके हाथ बंधे हुए हैं, इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं, ये कभी भी वो पेट्रोल आयल नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये चकवाल वाली साइड से निकल रहा है, बहुत जगह से गैस निकल रही है, मगर ये नहीं निकालते क्योंकि इन्होंने IMF के आगे हाथ पांव बांधे हुए हैं। तो हमारी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ये सारे सोए हुए हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है कि इंडिया कहाँ रोज़ाना
कोई हर नई रोज़ाना इंडिया से खबर आती है कि उन्होंने ये इम्प्रूवमेंट की है, उन्होंने ये की है, और यहाँ से रोज़ाना गंदी खबरें आती हैं, आज ये हो गया तो आज वो हो गया, आज इतने बंदे मर गए हैं। तो खुदारा के एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, आला दलिया को चाहिए कि अवाम का कुछ सोचें। अवाम यकीन करें बहुत तंग आ गए हैं। कोई एक साल की कम से कम प्राइस होनी चाहिए पेट्रोल की, कि या अगर 500 रुपये लीटर कर दिया ना, कर दें भाई, ये 2023 500 रुपये लीटर ही मिलेगा आपको, फिक्स कर दें ताकि हर बंदा अपना बजट बना ले। ये क्या है, 20 दिन बाद फिर 50 रुपये, 20 दिन बाद फिर 50 रुपये, इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा। बेयकीनी की कैफियत है। पहले तो सोने की हम कीमतें देखते थे कि वो भी कोई दो दो चार चार माह बाद बदलती थी, अभी ऑयल की रोज़ाना बदलती हैं, घी की रोज़ाना बदलती हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। मगर हमारी आवाम का भी कसूर है कि आवाम ने एक दिन भी हड़ताल नहीं की, कि एक दिन भी नहीं कहा कि आज पेट्रोल नहीं डलवाते, जान आज घर से बैठ जाते हैं सारे, स्टॉप कर लेते हैं। अगर ये तीन दिन की हड़ताल कर लें, यकीन करें ये आधी कीमत पे पेट्रोल देने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये बहुत महंगा दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। उनको पता है जितना मर्ज़ी महंगा करते हैं लोग ख़रीद रहे हैं, कोई निज़ाम मुल्क का नहीं रुका, कोई गाड़ियां नई बुकिंग नहीं रुकी है पाकिस्तानियों की, नई से नई गाड़ियां बुक करा रहे हैं, जितनी महंगी हो रही हैं उतनी ज़्यादा बुक करा रहे हैं, जितना पेट्रोल महंगा उतना ज़्यादा फुल करवा लें। पहले कोई 1500 का डलवाता था, आजकल टैंक फुल करवाते हैं कि शायद कल और ना बढ़ जाए। तो मतलब है कि ज़्यादा बिक रहा है, जब ज़्यादा चीज़ ज़्यादा बिकेगी तो कभी भी वो हुकूमत कभी भी सस्ता नहीं करेगी। ये सारा मैं कहता हूँ आवाम हमारी का कसूर है, कि हमें चाहिए कि ये एक दो तीन दिन इसको स्टॉप करें और हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जब तक देखे बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं देती है। जब अब तक हम बोलेंगे ही नहीं, आवाज़ ही नहीं निकालेंगे, तो कैसे मुल्क का निज़ाम सीधा होगा। इंडिया की आवाम बोलती है और वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं। यहाँ तो हुक्मरान आए ही ये सोच के हैं कि हमने आवाम का गला काटना है, लॉलीपॉप दिखाना है और भाग जाना है, तो फिर यहाँ इस आवाम का क्या, इस आवाम का मेरा ख्याल यही इलाज है। ठीक है, थैंक यू सो मच।